सके। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। मैं बहुत सत्संग सुनिया, बहुत गीता भी पढ़ी देखिया, भगवत गीता भी देखी, रामायण पाठ भी देखा, पर जो मैनू ताडे विचार सुन के या ताडा सत्संग सुन के जो मैनू अनुभव होया मैनू किते नहीं होया। तुसी इदां समझांदे हो जैसे जिदा चाह नहीं आपां बना लैंदे, चाह दे विच छन्नी ना छान लैंदे आ, इदां हर एक मतलब कि किसी कोई शंका ही नहीं रह जाती मन दे विच कि सानू समझ ना आया होवे, कि तुसी कोई गल कीती होवे ते असीं ना समझे होईए। तो मैं रामलीला च कम करदा रहा छोटे हुंदे, तो ताडे गल सुनी कि जिदा सानू पता हनुमान ते अमर हो गए, पर विभीषण का सानू अजे तक पता नहीं अमर ही जां किदां ही। विभीषण जी भी अमर हैं और हनुमान जी भी अमर हैं। तो एक और जो अपने श्री रामचंद्र जी जो चले उन्होंने जम लैन वास्ते आ गए, जम लैन वास्ते आ गए, जो उनका लास्ट टाइम आ गया, तो अपने हनुमान जी सी वो तो उन्होंने लागे नहीं लगन देंगे सी। तो फिर वो मैं किसी को सुनया कि जो रामचंद्र ने सुनया कि हुण मेरा टाइम हो गया, पर हनुमान जी ने तो उन्होंने अगे आन नहीं देना, हुण इन्हों किस तरीके कित अगे पिछे कित कम लाइए तो फिर आप जाइए। तो उन्होंने अपनी मुंदी ना एक सुरंग दे विच छोड़ दी, तो उन्होंने हनुमान जी ने कहा भी जाओ तुसी ना ये मुंदी लभ के लै के आओ। तो मुंदी वो जिहड़ी नागरा नाग नीचे नागराज तो उत्थे चल गए, मुंदी वो मुंदी लभन चल गए, नाग देवता जी उन्होंने अगे लै गए नाल। तो वह मुंदी लभन दे व्यस्त हो गए, तो अपने राम जी होरी अपने फिर उन्होंने नाल चले गए। ये सच गल है जां किदां? आपकी भाषा के कारण कुछ बातें हमें समझ में आई हैं, कुछ भाषा के कारण समझ में नहीं आई। आप हिंदी में बोल सकते हैं? कोशिश करता हूँ। बोलो। मेरा कहने का मतलब गुरु जी ये है, जब हमारे रामचंद्र जी लास्ट टाइम में थे तो वो सोच रहे थे कि हमारे जमदूत जो आते हैं, जमराज जी, यमराज, ठीक है, वो आते हैं लेने के लिए। तो जो वो जब आते थे तो जो हनुमान जी थे वो आगे खड़े हो जाते थे। अच्छा, राम जी को लेने आते थे? हाँ, तो हर नहीं, ये बात गलत है। राम जी को लेने कोई यमदूत नहीं आते थे। एक बार क्या हुआ, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप बाहर रहो, कोई अंदर ना आए। तो राम जी अंदर की मीटिंग कर रहे थे किसी के साथ, तभी दुर्वासा जी आ गए और लक्ष्मण जी ने रोका कि नहीं जाना। तो लक्ष्मण जी को राम जी ने फिर वो कहने लगे मैं अयोध्या को नष्ट कर दूंगा शराब देके, तो लक्ष्मण जी ने जाने दिया। तो राम जी की जिनसे मीटिंग चल रही थी वो यमराज थे। तो यमराज जी ये कहने आए थे कि भगवान आपकी लीला पूरी हो गई है, अब आप अपने धाम को पधारें, क्योंकि मृत्यु लोक में आप आए हैं, अब आपको अपने धाम में हाथ जोड़ के, चूँकि वो मृत्यु के देवता हैं यमराज, तो हाथ जोड़ के उनने कहा कि आप अपने धाम को जाएं। राम जी समझ गए कि लीला करने का पूरा टाइम आ भी गया। 11,500 साल तक राम जी ने राज्य किया, उसके बाद लीला पूरी करके जाने लगे। तो हनुमान जी को कहा कि आप भी चलो। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। कब क्यों नहीं जाओगे? बोले वहाँ आपकी कथा नहीं है, यहाँ आपकी कथा है। बोले कब तक मृत्यु लोक में रहोगे? बोले जब तक आपकी कथाएं मृत्यु लोक में रहेंगी तब तक हम रहेंगे। तो हनुमान जी यहीं हैं आज भी, कहीं गए नहीं, जहाँ कथा वहाँ हनुमान जी। तो एक एक प्रश्न हो रहा है गुरु जी। बोलिए गुरु जी, जो मंदिर है, जब जितने भी मंदिर बने हैं तो वहाँ जो पंडित लोग रहते हैं तो उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और गुस्ताखी माफ़ी भी मांगता हूँ। हाँ हाँ बताइए। बात ऐसा है कि जितनी हमने सत्संग वगैरह सुनी है तो भगवान जब भी आए तो निर्धन के घर ही आए हैं, गरीब के घर ही आए हैं, और खाना भी उन्हीं लोगों के घर किया है। हाँ। तो हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो काफ़ी अनुभव किया, देखा भी, दो चार आदमी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उन लोगों ने यही मेरे से बात बोला यार तुम्हारे मंदिर में जाते हैं जो आदमी 100 रुपया दे देता है, 200 रुपया दे देता है, उसको कुछ और प्रसाद दे देते हैं। लेकिन वैसे तो बात ये मानना चाहिए कि अब हम मंदिर में गए हैं तो प्रसाद की चिंता नहीं करनी चाहिए हमको। अगर गुरु ने हम पर नज़र फेर दी, नज़र से देख लिया, तो वही हमारा उद्धार है। ठीक है। तो लेकिन उनको समझाने में दुनिया जो प्रैक्टिकल चाहती है, जो प्रैक्टिकल हो रहा है उनको देखना चाहती है, जो पीछे है उनको देखने की कोशिश नहीं करते लोग। तो ऐसा है कि ऐसा क्यों होता है? मैं इधर भी देखा हूँ एक दो मंदिर में कि हम माथा टेकने जाते हैं तो ऐसा होता है किसी टाइम पैसा होता है खुला या नहीं होता, जो आदमी दे सकता है पैसा कोई नहीं दे सकता, तो उनके साथ व्यवहार और होता है, जो पैसा देता है उनके साथ व्यवहार होता है। इसमें मतलब या तो पंडित को पता ही नहीं है कि भगवान जो गरीब अमीर में कोई फ़र्क नहीं करता, तो या फिर मेरे को तो कुछ समझ नहीं है, इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ। भगवान को तो देखो अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, परंतु
जब हमारे घर में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो प्रधानमंत्री जी का हम अलग सम्मान करेंगे और प्रधानमंत्री के जो परिकर आएगा उसका अलग सम्मान होगा। प्रधानमंत्री की तरह अन्य लोगों का सम्मान नहीं होगा, ये बात सही है क्या? राष्ट्रपति जी की तरह अन्य व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा। गुरु जी आएंगे आपके घर तो आप गुरु जी का अलग सम्मान करेंगे और गुरु जी के साथ दो चार लोग आएंगे उनका अलग करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये देखो, आप अपने घर में अलग चावल खाते हैं पर आपके घर कोई, आपके घर की नहीं मतलब बहुत लोग तो जो खाते हैं वही देते हैं, पर कुछ लोग ये है कि खाने के लिए चावल अलग रखते हैं, देने वाले अलग रखते हैं, क्यों? तो ये भेद है या नहीं समाज में? ये पांच उंगलियां अलग अलग है कि नहीं? बस यही है समाज का नियम। भाई आपने यदि जैसे यहां सेवाएं चल रही हैं तो आपने यहां पे सेवाओं के लिए आपने 1000 रुपए दान किए, तो आपने 1000 रुपए दिए हैं आगे बढ़ के, तो हमारा धर्म है कि हम आपका सम्मान करें क्योंकि आपने दिया है, क्योंकि आपके धन से यहाँ सेवाएं चल रही हैं, तो उसका सम्मान अलग होगा। जो नहीं दिया उसके लिए दर्शन है, उसके लिए भी प्रसाद है, पर प्रधानमंत्री का सम्मान और उनके अनुयायियों का सम्मान एक सा नहीं हो सकता। यही तो है, यही है सिस्टम कि जो भाई आप एक काम करो, आप पुजारी जी को 10 रुपए देंगे ना, तो वो उसके बच्चे हैं, उसका परिवार, उसे लगता 10 रुपए दिया है तो मैं इसको प्रसाद दूंगा तो ये अगली बार आएगा तो 100 रुपए देगा। माना कि लालच होता है, पर सबका अपना अपना एक स्वार्थ भी होता है, और वो स्वार्थ भी गलत नहीं है क्योंकि सबके खर्चे हैं, सबके परिवार हैं, सबका बच्चा है, सबका। अब आप लोगों को, हम लोगों को कदापि ये ना समझना चाहिए उनके साथ अलग व्यवहार, हमारे साथ अलग व्यवहार। भाई दर्शन भगवान जी का आप कीजिए। बिहारी जी के मंदिर में आप जाते हैं ना, तो बिहारी जी के मंदिर में आप जाएंगे तो सबके लिए तो नीचे से दर्शन है, पर कोई 10-20 हज़ार देगा तो उसको ऊपर से दर्शन करा दिया जाएगा। तो भाई स्वाभाविक भी है कि भाई पैसे खर्च कर रहा है तो उसको विशेष मिलना भी चाहिए। भाई पैसे से विशेष चीज आती है कि नहीं? तो बस भगवान तो सबके हैं, भगवान के मन में छोटा बड़ा नहीं है, पर संसार के व्यवहार में ये मर्यादाएं भी हैं। ठीक है, ये संसार का व्यवहार है। गुरु जी माफ करना, मैंने ना ना, आपने अपनी जगह, आपका क्वेश्चन सही है, प्रश्न सही है। तो गुरु जी ये लिया आपको? हाँ ये ठीक है, ये द्वार पे लगा सकते हैं, फ्रंट पे लगा ले। राधे राधे गुरु जी। खुश। मैं दूसरी बार आया हूँ जलंधर पंजाब गांधीनगर से, तो मेरे साथ मेरा बेटा भी आया, समदन भी आया, लड़की उनको राधे राधे कह दिया, मेरे वाइफ भी है। बिल्कुल राधे राधे। खुश रहिए।